उदास गोश्त को उदास लगा पच्ची खिंची गई वो कल रात को जब यहाँ पे गोश्त को घुमा रहा था शुभ्र तो सडनली कुत्ता आया और दोबारा से उसने अटैक किया और इस बार उसने शुभ्र पे भी अटैक किया। ये देखो कौन लड़की मिली मेरे को। लोगों ने ना ये वाला रिकमेंड कर दिया, कह रहे हैं बड़ा वाला वो बहुत छोटा लग रहा है, बहुत छोटा लग रहा है। गुड मॉर्निंग, सो वेलकम टू अ नाइस एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन हल्द्वानी। हम हल्द्वानी से भी निकले हैं पिथौरागढ़ के लिए और देखो यहाँ पे ऑफिस चालू है मेरा, यहाँ पे भी है। सो यहाँ पे सब काम वाम चालू है, सब अभी काम कर रहा हूँ, नाश्ता हमारा आ चुका है। बस अब यहाँ से मैं आपको सीधे पिथौरागढ़ ले चलूंगा, रास्ते में आपको पकाऊंगा नहीं क्योंकि मेरी कुछ साइड विजिट्स हैं, क्या ही करोगे देख के बोर हो जाओगे आप। यहाँ से सीधे हम जाएंगे पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ में आपको मैं गोश्त मक्कू से मिलवाता हूँ डायरेक्टली। फाइनली भाई रात के ना 8 बज गए, मैं सुबह 8 बजे निकला था, फाइनली घर पहुँचा हूँ। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट गोश्त एंड मक्कू, देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है। वैसे तो बहुत खुश हो जाते हैं मेरे को देख के, पहले ऐसी कोली बाबू कहाँ है, दूसरा कहाँ है, कहाँ चिंटू के पास गए? हाँ बाबू, अच्छा 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 अरे मेरे पास तो उदास गोश्त को उदास लगा पच्ची खिंची गई थैंक यू बेबू थैंक यू। एक और खिंची, एक और खिंची, एक और दे दे, रुको ना यार खिंची लेने दो, एक और दे 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 मत दे, कोई बात नहीं एक भी चलेगी यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है, आई लव यू बॉल, आई आई ये मिच किया मैं, तूने गलती से करा होगा, थोड़ा सा मैं चुच्चू पोटी करने तो मैं ले जा रहा हूँ। यू जी कौन आया, कौन आया, हेलो कौन है, खुरापत कौन है, कहाँ जाया, ओए साले मेरे को प्यार कर, गोश्त तू ही है यार, तू ही है मेरा बेटा, ये साला अडॉप्टेड है, सन है, कहाँ से लाया मैं तेरे को, अडॉप्टेड पापा को प्यार करते तुमने बनाया, प्यार करना नहीं आता पापा, भूल जाता हूँ, गलती से गोल्डन रिट्रीवर बन गया, हस्ती हूँ मैं, छुट्टी कर तू भी, किच्चू कर तब भी छुट्टी मिलेगी, किच्चू 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 कर, इसलिए किच्चू नहीं करते यार ये, क्या कर लो मेरे लाडलो, मेरी बड़ी याद आ जाती है मेरे को थोड़े दिन, कहाँ ले जा, वहाँ इतना गर्म हो गया, गोश्त को गर्मी लगती है हल्द्वानी में, यहाँ की तरह ठंडा थोड़ा हो रहा है। अरे 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 कैच सिट, गोश्त कहना मान ले, सिट पापा आया आज, मेरा मन मेरे इज्जत रख ले, सिट, इसको मैंने पहले कहा था आज आ जा कल मान आएंगे, तू मान रहा नहीं मेरी बात, हाँ गुड बॉय कैच, स्टे हैव इट गुड बॉयज, आके अपना बैग वैग सब खाली कर रहा हूँ, सब सामान सेट कर रहा हूँ, इनको देखना क्यों खड़ो भाई तुम ऐसे, गोश्तू क्या है, सुसु आ रही है इनको, तभी खड़े हैं दरवाजे पे, चलो आते घुमाने तो जाना ही है। सो कल रात को जब यहाँ पे गोश्त को घुमा रहा था शुभ्र तो सडनली कुत्ता आया और दोबारा से उसने अटैक किया और इस बार उसने शुभ्र पे भी अटैक किया, तो उस डंडी की वजह से ना मतलब लिटरली कुत्ते ने अटैक करा, ठीक है पहले शुभ्र पे, पहले गोश्त पे अटैक किया फिर शुभ्र पे अटैक करा, डंडा था तो शुभ्र बच गया, तो हम उसके लिए ना ऑफिशियल पुलिस कंप्लेन करवा रहे हैं, मैंने कुछ और भी लोग ढूंढे हैं जिनको उस कुत्ते ने ऐसे अटैक वटैक कराया है कुछ कराया और उसके हिसाब से फिर ना पुलिस में ऑफिशियल कंप्लेन करवाएंगे और थाने में उसको बुलवाएंगे बंदे को। कल तो शिवरात्रि है, हम बड़े एक्साइटेड हैं, कल मंदिर जाएंगे, बाबा के यहाँ जाएंगे, चलो इनको घर पे, ये भी आराम करेंगे मैं भी आराम करूँगा, मैं जल्दी सो जाऊँगा यार, बहुत बहुत थका हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हम जा रहे हैं अपनी मॉर्निंग हाइक के लिए और गोश्त भी एक्साइटेड है और मक्कू भी एक्साइटेड है,
चलो। क्या लाया? फिर से पत्थर उठा लिया। चलो चलो, अब क्या है ना, सर्दियाँ बस आखिरी आखिरी बची हुई हैं, तो अब ये है हमारे लिए कि गोश्तों को गर्मी लगे। ए मैक्स, यहाँ साइड हो। पता नहीं साइड हो समझ गया है, अपने आप ही हो जाता है, समझ भी नहीं आता ना इसका, इतना डम बिहेव करता है मैक्स, जैसे इसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा, पर है बहुत चालू ये। आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि, और आज के दिन हम बाबा के यहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ये बहुत ही खुशी का दिन होता है। देखो दूर, ये आपको दिखाता हूँ मैं, रुको रुको रुको, ये देखो, रुक जाओ दोस्त, हाथ पे, ये देख रहे हो आप, दूर ये खच्चर आ रहे हैं, वहीं हमने जाना है, और दोनों को दिख गया, देखो इसको भी दिख गया है और इसको भी दिख गया है। तो मैं सोच रहा हूँ आगे तो ना ही जाया जाए, क्योंकि गोशू ना फिर यार बहुत खतरनाक खींचेगा और हालत ख़राब कर देगा, तो आई थिंक यहीं से वॉक को ख़त्म करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। क्या फाट रहा भाई है? जोमैटो, जोमैटो का रैपर यहाँ कहाँ से आ गया? जोमैटो आ गया पिथौरागढ़ में? कब का है? अरे अरे अरे, फाट फाट। हाँ जी, तो नहा धो के हम रेडी हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं मंदिर बाबा के यहाँ पे, और इनको छिदानों को नहीं ले जाएंगे, वहाँ पे अलाउड नहीं है। चल रहे हो? आ रही हूँ बेटे। क्या कर? तू लाइट आई है, बाबा जी के कपड़े हैं तेरे, बस आ रही हूँ, गाड़ी तो निकाल तू। जब से पिथौरागढ़ में वो नया नियम आया है, जब गाड़ी आप सड़क पे खड़ी नहीं कर सकते वाला, तो सड़कें ऐसी खाली खाली हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन में था यार इस तरह का, तो पता है एकदम इस तरह की फीलिंग आ रही है जैसे लॉकडाउन ही लग गया हो, कोई दिख ही नहीं रहा सड़क पे, खाली एकदम। हम फाइनली जा रहे हैं मंदिर, दोनों सेठानियों को ले लिया है हमने, इन्होंने इतना टाइम लगा दिया, क्या बताएं हम, क्या उज्जा क्या होता है दोस्तों, लोग मैं पूजा करके आ गए और हम पूजा करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया मतलब पूजा कर चुकी है, और ये अब दिन भर होता। हाँ जी, तो हम पहुँच गए मंदिर, हमने यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है और अब जाते हैं अंदर, बहुत एक्साइटेड हुए हैं ना, तो बहुत ही खुशी मिलती है यहाँ पे आके ना। आज पूरे मंदिर में इतनी चहल पहल होती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी मिलती है दिल को, तो सारे लोग यहाँ पे देख के ना बहुत अच्छा लगता है, और सब लोग यहाँ पे इतना एंजॉय कर रहे होते हैं, हर किसी के पास अपनी स्पेस है बैठने के लिए, है ना, जो पूजा कर रहा है पूजा कर सकता है, जो खाली ऐसे बातें करना चाहता है वो बातें कर सकता है, अलग अलग तरह की स्पेसेस बनी हुई हैं सारी, बहुत ही खूबसूरत दिन है, और इतनी बढ़िया धूप आ रही है, देखो इतना बढ़िया सा मौसम हो रहा है ना, मस्त एकदम, मन कर रहा सो जाओ घास में बैठ के, बस चैन सुकून से, मतलब ये जगह बैठना नहीं है इन लोगों को, आए हैं फिर अभी जाने की हुई है, थोड़ी देर बैठो इंजॉय करो रिलैक्स करो, थोड़ा पानी कहाँ से पिलाऊं अब यहाँ पे, हाँ बैठो, देखो डॉगी भी है, कितना हमारे बाबा के यहाँ सब अलाउड है, मक्कू आता था यहाँ बैठता था, मक्कू चनंदी जी बैठे हैं यहाँ से, मेरे को देखा रहेगा मैं काम कराता था जब यहाँ पे, पता यहीं बैठता था, मक्कू आता था मेरा बच्चा यहाँ पे, दौड़ता रहता था भागता रहता था यहाँ पे, इतना मजा आता था जब हम काम करा रहे थे, काश मैंने वीडियोस बनाए होते ना तब वहाँ पे। सब लोग आ गए ना नंदी जी के कान में बोल रहे हैं, ये देखो ये भी कान में बोल रही है, देखो देखो कितना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर हो रहा है, तंबे बज रहे हैं, अंदर पूजा हो रही है, भाई मजा आ रहा है। ये देखो कौन लड़की मिली मेरे को, अन्नू की आड़ में मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरे को इतनी शर्म आ रही है क्योंकि इतने लोग हैं, सब घूर दे रहे हैं यार, ऐसे कह रहे होंगे साले व्लॉगर ऐसे साले आ जाते हैं, उनको क्या पता मैंने बनाए हैं, चिल्ला के बताती हूं मैं उनको, क्या पता कह रहे होंगे कौन झाटू माटू टाइप के लोग आके परेशान कर रखे हैं व्लॉगिंग कर रहे हैं, इनको मैं कभी जिंदगी में आज कर ना कहीं लेके नहीं आऊंगा, घर चल घर चल, चैन से नहीं बैठने दे रहे यार, इंजॉय नहीं करने दे रहे, सुकून नहीं देने दे रहे, चैन नहीं है इनको, अगली बार से ला के ना किसी मंदिर में नाम बदल देना, अकेला आता मैं आराम से बैठा होता किसी कोने में, इतना बढ़िया हो रहा होता। मेरे को तो दोस्तों ना बहुत मजा आ रहा था, पर ना ईजा को घर जाके खाना बनाना है, बुआ को कहीं और मंदिर भी जाना है, इन लोगों ने मेरे को इतना परेशान कर दिया आज,
तो मैं जा रहा हूँ उनको छोड़ के, फिर देखूंगा उसके बाद फिर वापस आऊंगा या तो। सो अभी हम जा रहे हैं पास में एक ज्वेलरी स्टोर है ना, तो वहाँ पे जा रहे हैं। बेसिकली हमारे दाई लगते हैं, उनका घर भी बनाया था मैंने, तो वहाँ से हम कान के लिए कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा अजीब लगता है यार ये ना जो पहना हुआ है ना मैंने, पिचक पिचक भी गया है वो, बहुत अजीब सा लग रहा है, अनफिनिश्ड टाइप का ना, छोटे छोटे से लेंगे। बुआ को लेके जा रहा हूँ, सेठानी है ना बुआ हमारी, सेठ लोगों को लेके जाना पड़ता है ऐसी जगहों पे ना। एक्चुअली जो भी सामान मैं लूंगा एक तरह से मेरे लिए फ्री है, क्योंकि मैंने एक्चुअली घर बनाया था दीपू दादा, तो मेरी फीस रह गई थी लेनी, फीस मतलब होता है ना भाई बंदी में ली नहीं तो वो उसी में से कट जाएगी। मेरे को तो लग रहा है बुआ को लाना महंगा ना पड़ जाए कहीं, भैया ने तो बुआ के सामने रहते पिटारा। ये ट्रिक है, कस्टमर को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ और खरीद लेगा फिर कुछ ना कुछ। एक कान से तो निकल गए, दूसरे कान से निकाल रहे हैं भैया। ये इतना छोटा सा 4,000 रुपये का यार, मैं तो सोचा 200-300 रुपये का होगा। एक पहन के ना ट्राई कर रहे हैं कि कैसे लग रहे हैं, छोटे बड़े साइज ना देख के आइडिया आएगा। ये देखो दोस्तों छोटा सा ये वाला जो है ना दोस्तों, इसमें गोल्ड थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा बड़ा है ये। देखो ना बहुत ही पतला चाहिए, जो मतलब बहुत ही ध्यान से देखने में दिखे ऐसा चाहिए मेरे को। ये सुंदर है बट दूसरा ही देख रहा हूँ मैं, हमें एकदम छोटे वाले मिल गए ये, बढ़िया। अरे मैं और छोटे का देख रहा था, इससे छोटा है नहीं कोई, मस्त लग रहे हैं ये छोटे एकदम। भैया लोगों ने ना ये वाला रिकमेंड कर दिया, कह रहे हैं बड़ा वाला वो बहुत छोटा लग रहा है, बहुत छोटा लग रहा है। बुआ भी कह रही है बड़ा ही ले। मेरे तो पता नहीं यार, मेरे को मेरा है नहीं ना ऐसा टेस्ट। एक्चुअली मैं ब्लैक पहनता, पर ब्लैक लाइक कुछ नहीं पहनना, ज़्यादा अमीर लग रहा हूँ मैं, ऐसी वाइब आ रही है अमीर वाली। दोस्तों ये वाले खरीदवा दिए बुआ ने, बुआ की चॉइस है ये। मेरे को तो ये बड़े लग रहे हैं अभी भी, पता नहीं अब आप लोग बताओ कैसे लग रहे हैं यार। लाइफ में पहली बार मैं ऐसी कोई चीज़ पहन रहा हूँ। मेरे दोस्त है जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, अंगूठी पहनवाई थी मैंने, एक महीने से भी जल्दी उतार दी भाई मेरे से हुआ नहीं। मैं चाची को दिखाने जाता हूँ, वो जज करेगी अच्छे से। नान हुआ तो बढ़िया कह रही ना, इनकी चॉइस है। चाची को तो सही लगे, अब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तू लाइट लगा दी है इसलिए हटाई, अब बताओ कैसे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं लड़की जैसे तो नहीं लग रहे पक्का? चलो ठीक है, थैंक यू। सो काफ़ी सारे लोगों को दिखाया दोस्तों और सबको पसंद आया, तो मेरे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब देखते हैं कब तक पहनता हूँ, बट वैसे मेरा टेस्ट यूजुअली ब्लिंग ब्लिंग का है नहीं, मेरे को ब्लैक पसंद है। पर मेरा जो फ्रेंड है ना जो एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट है, उसने कहा बिल्कुल पहनना ही नहीं है, उसने बोला गोल्ड और डायमंड ही पहनना है नहीं तो नहीं पहनना है, इस वजह से मैंने ये ले ली। तो मैं जेन्युइनली मैं बिल्कुल या तो मैट सिल्वर या फिर ब्लैक वही पहनता बस। चलो कोई नहीं, पार्टीज वगैरह में जब जाऊँगा तब वो पहन लूँगा, और अब तक ये बढ़िया ही है। और आप भी बताना कैसे लग रहे हैं आपको, एंड इसी बात पे इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगला व्लॉग दोस्तों बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही मस्त होने वाला है, तो उसका वेट करिएगा। एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दे दो, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो।